हेलो बच्चों नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए बच्चों क्लास इलेवंथ अकाउंट्स में जो चैप्टर नंबर वन और जो चैप्टर नंबर टू है ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेसन नंबर थ्री ठीक है जिसका नाम क्या है जर्नल ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये चैप्टर में जो भी थियरी पार्ट है उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से फिर उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग शुरू करेंगे ठीक है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी चैप्टर है ठीक है और इसके क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है आप बिल्कुल भी चिंता मत करना बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी ठीक है बच्चों तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी तो सबसे पहले मैं आपको जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना उसके बारे में बताती हूँ देखो बच्चों अकाउंटिंग की जो शुरुआत है ना वो कहाँ से होती है तो वो होती है जर्नल से ठीक है हम लोग क्या करते हैं हमारे बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं ना उनको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले तो उसको जनरल के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं ठीक है थीके? मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं जनरल एंट्री करते हैं ठीक है एक बार हमने वो जनरल एंट्री कर ली फिर उसके बाद उसे हम ट्रांसफर करते हैं कहां

तो चलिए बच्चों समझते हैं तो देखो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जैसे कि जब भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल के फॉर्म में ठीक है और जब भी हम लोग जनरल एंट्री करते हैं ना तो वहां पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है क्रिएट होता है जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऐसे ही कर दोगे क्या नहीं वहां पे एक प्रॉपरली प्रूफ चाहिए होगा अगर आपने कोई एंट्री की है तो बताओ कैसे की है क्यों की है इसका कोई प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए राइट तो जो वहां पर डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है ना बच्चों उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं क्या बोला मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक है जो एक तरीके से प्रूफ होता है अगर आपके पास कोई प्रूफ है यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तभी जाके जो आपका ट्रांजैक्शन है उसको वैलिड माना जाएगा ठीक है और अगर इसको मतलब उसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या कहा जाता है बच्चों अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है मतलब ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कुछ अलग नहीं बल्कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही है जो हमारे ट्रांजेक्शन को क्या बनाता है वैलिड बनाता है यानी एक प्रूफ के तौर पे होता है ठीक है चलो यहाँ पे समझते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है चलो एक बार देखते हैं देखो क्या दिया है कि एवरी एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज सपोर्टेड बाई द रेलवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वही तो मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ठीक है उसके लिए प्रॉपरली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए राइट तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना बच्चों उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये बात आपको क्लियर हो गई अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना जो हमारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं टोटल पांच अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं पहला तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में वाउचर के बारे में फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे टेक्स इन वॉइस और फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्रेडिट मेमो और हमें क्या देखना है फिर रिसिप्ट और पांचवा क्या है चेक ठीक है तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वाउचर से ठीक है अब ये वाउचर क्या होता है तो बहुत ही सिंपल है सुनो जो बिजनेसमैन होते हैं ना जब ही वो कैश में कुछ पेमेंट करते हैं देखो आपको कुछ नहीं करना बस आप मेरी बातें सुनते रहिए ठीक है बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बस आप समझते जाइए आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी ठीक है वाउचर क्या होता है सुनिए ध्यान से जो बिजनेसमैन होते हैं ना जब भी वो कैश में कुछ पेमेंट करते हैं ठीक है थीके? तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं वाउचर बनाते हैं और जिसको भी वो पेमेंट कर रहे हैं यानी जो सामने वाला पर्सन है यानी कि पेई ठीक है उसका उस पर साइन करवा के लेते हैं कि मैंने आपको इतना कैश क्या किया पेमेंट किया ठीक है तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना बच्चों उसी को किस नाम से जाना जाता है तो वाउचर के नाम से जाना जाता है ठीक है देखो यहाँ पे वही बात दी गई है कि वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स अ पेमेंट मेड बाय अ बिजनेसमैन असमैन जो बिजनेसमैन पेमेंट कर रहा है ठीक है तो उसका उसका एक तरीके से प्रूफ के तौर पे होता है क्या होता है बच्चों वाउचर ठीक है समझे कि नहीं अभी देखो ये जो वाउचर है ना ये भी दो टाइप्स के होते हैं पहला तो होता है आपका इंटरनल वाउचर और दूसरा क्या होता है बच्चों तो हो. मतलब तो ना कि जब भी कोई बिजनेसमैन पेमेंट करता है ठीक है तो वो क्या करता है वाउचर मतलब वाउचर नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाता है और उसके ऊपर पे का साइन लेता है राइट तो ये जो वाउचर बनाया गया ये किसके द्वारा बनाया गया तो ये बिजनेसमैन ने बनाया मतलब जो बिजनेसमैन खुद बनाते हैं यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो वाउचर बनाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं तो इंटरनल वाउचर के नाम से जानते हैं ठीक है समझे ना बाहर वाले किसी ने नहीं दिया बल्कि उन्होंने खुद बनाया जब वो के, जब वो कैश पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाले से उस पर साइन करवा के ले रहे हैं राइट तो वो किसमें आएगा इंटरनल वाउचर के अंदर आएगा फिर एक्सटर्नल क्या होता है तब ये बता दो तो देखो बच्चों अगर कोई बिजनेसमैन क्या करते हैं बाहर वाले को पेमेंट करते हैं मतलब आ, मतलब कई जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का ठीक है जब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं तो जो मतलब सामने वाला पर्सन होता है उनको कोई ना कोई वो प्रूफ देता है जैसे कि कोई रिसिप्ट देगा राइट या फिर अगर वो सामान खरीद रहे हैं बिजनेसमैन अगर गुड्स परचेस कर रहे तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है टैक्स इनवॉइस ठीक है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कितने का सामान लिया क्या लिया ये सारी चीजें ठीक है तो वो किसमें आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा एक्सटर्नल वाउचर के अंदर ठीक है सिंपल सी बातें सुनो जो बिजनेसमैन ने मतलब जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया वो किस नाम से जाना जाएगा इंटरनल वाउचर के नाम से जाना जाएगा और जो बाहर वाले से मिला ओके टेक्स इनवॉइस या फिर रिसिप्ट वो किस में आता है तो एक्सटर्नल तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा है ना अच्छे से समझा कि नहीं चलो अभी नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों टेक्स इनवॉइस की बात करेंगे अब ये टेक्स इनवॉइस क्या होता है तो ये भी बहुत सिंपल है, है। सुनिए जब हम लोग क्या करते हैं ना गुड्स परचेस करते हैं ठीक है थीके? तो जो सेलर होता है ना वो हमको क्या देते हैं टैक्स इनवॉइस देते हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि किसको दिया कौन सा सामान दिया उसके ऊपर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है फिर सी जीएसटी कितना दिया एस जीएसटी कितना दिया जीएसटी तो जानते हो ना जीएसटी दो टाइप के होते हैं सी जी एस टी और एस जी एस टी ठीक है आप लोगों ने शायद से क्लास में 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 देखो क्लास ये GST के बारे में आप टेंस टें पढ़ाई होगा वैसे अगर आप भूल भी गए हो तो भी कोई बात नहीं मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी ठीक है देखो जी एस टी होता है अभी इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे चिंता ना करना अभी बस मैं आपको समझा देती हूँ देखो एक तो होता है आपका सी जी एस टी दूसरा होता है एस जी एस टी ठीक है सी जी एस टी मतलब क्या सेंट्रल सेंट्रल जीएसटी यानी ये वाला जो जीएसटी होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और ये वाला जो जीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है ठीक है और जैसे कि जीएसटी का रेट अगर 18 परसेंट है ना तो देखो नाइन परसेंट क्या हो जाएगा एस जी मतलब नाइन परसेंट सी जी एस टी और नाइन परसेंट क्या होता है एस जी एस टी ठीक है तो वो जो टैक्स इनवॉइस होता है ना उसके अंदर ये बात भी बताई रहती है कि कितना सी जी एस टी है कितना एस जी एस टी है ठीक है कौन सा सामान लिया कितने का लिया ये सारी चीजें उसके ऊपर वो जो टैक्स इनवॉइस होता है उसमें लिखी हुई रहती है ठीक है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों टैक्स इनवॉइस कहते हैं ठीक है थीके?

ऑब्जेक्टिव में पूछ दे इसके लिए इसको अंडरलाइन करना किसको इसको इसको भी ठीक है देखो बायर के लिए ये जो टैक्स इनवॉइस 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 है 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 ना वो वो क्या होता 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 या या तो होता है, या फिर इनवर्ड किसके लिए फॉर द बायर ठीक है और सेलर के लिए क्या होता है तो सेल्स इनवॉइस भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर आउटवर्ड इनवॉइस भी इसको बोल सकते हैं ठीक है ये किसके लिए सेलर के लिए और बायर के लिए क्या होता है परचेस इनवॉइस सेलर के लिए क्या होता है सेल्स इनवॉइस ठीक है एंड ये जो टैक्स इनवॉइस होता है ना बच्चों देखो क्या लिखा है टैक्स इनवॉइस आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम यानी कि जब सेलर क्या करता है गुड्स को सप्लाई करता है ठीक है बायर को तो ये जो टैक्स इनवॉइस है वो उसके द्वारा भेजा जाता है ठीक है किसके द्वारा भेजा जाता है सेलर के द्वारा यानी जो दुकानदार मतलब जो सामान बेचने वाला होता है उसके द्वारा भेजा जाता है किसके पास बायर के पास यानी बायर को वो दिया जाता है ठीक है अगर हमने सामान खरीदा तो टैक्स इनवॉइस जो सेलर है ना वो हमको देगा ठीक है सिंपल सी बात है आपने सामान खरीदा ना तो टैक्स इनवॉइस आपको कौन देगा तो जिसके पास से आपने सामान खरीदा वो आपको देंगे टैक्स इनवॉइस जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी ठीक है अगर आपको इसका यानी कि अगर आपको इसका फॉर्मेट देखना है तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर फोर्टी सिक्स पर जाकर के देख सकते हैं वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा इसका फॉर्मेट बनाया गया है टेक्सट इनवॉइस का तो आप लोग एक बार जरूर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और इसको देख लीजिए ठीक है याद नहीं करना बस देख लो कि उसके अंदर क्या क्या होता है ठीक है बच्चों तो ये टैक्स इन आपको क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से समझ गए ना चलो अभी हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे तो क्रेडिट मेमो की बात करते हैं अब ये क्रेडिट मेमो uh, क्या होता है तो देखो बच्चों जब भी uh, ये क्रेडिट पे अगर गुड्स को परचेस किया जाता है ना तो सेलर क्या करते हैं क्रेडिट मेमो प्रिपेयर करते हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि वेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस अ सेलर प्रिपेयर द क्रेडिट मेमो एंड सेंड इट टू द कस्टमर अलोंग विद द आर्टिकल्स यानी कि जब भी गुड्स को परचेस किया जाता है कैसे देखो इसी इसका नाम ही क्या है क्रेडिट मेमो यानी कि गुड्स को जब भी परचेस किया जाता है क्रेडिट बेसिस पे तो जो सेलर होते हैं ना वो क्या प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स वो ये क्रेडिट मेमो प्रिपेयर करते हैं और इसे भेजते हैं किसके पास कस्टमर के पास अलोंग विद द आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स के साथ ठीक है और ये जो क्रेडिट मेमो होता है ना इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको इनवॉइस भी आप बोल सकते हो या फिर आप बिल भी बोल सकते हो ठीक है कि इतने का सामान इन्होंने लिया है क्रेडिट पे लिया है मतलब इन फ्यूचर वो हमको पेमेंट करेंगे ठीक है क्रेडिट मेमो कब प्रिपेयर किया जाता है बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज करते हैं तब और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है तो जो सेलर है ना इसके द्वारा ठीक है सेलर क्या करता है क्रेडिट मेमो किसके पास भेजता है तो बायर के पास भेजता है ठीक है ये बात भी आपको क्लियर हो गई अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रिसिप्ट के बारे में तो ये तो एकदम आसान है देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे जब आप अपने स्कूल में फीस भरते हैं ठीक है थीके?

डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर यानी जब भी हम लोग क्या करते हैं पेमेंट करते हैं कोई भी पेमेंट करते हैं तो जो रिसीवर होता है, यानी, जो पैसे को receive करता है वो क्या करता है वो ये रिसिप्ट मतलब receipt जो है वो सामने वाले पर्सन को देता है कि इन्होंने मतलब इनके पास से मैंने इतना मनी रिसीव किया ठीक है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए ना या फिर आपने बस ऐसे पैसे दे दिए और चल दिए तो आपके पास प्रूफ क्या रहेगा ठीक है तो वो प्रूफ के तौर पर जो रिसीवर होते हैं वो देते हैं ठीक है थीके? तो उसको किस नाम से जाना जाता है रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है और अगर आपको ये रिसिप्ट का स्पेसिमेन यानी कि फॉर्मेट देखना है तो आप लोग अगेन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर फोर्टी सेवन पे जाकर के देख सकते हैं ठीक है तो एक बार अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और ये दोनों देख लीजिए बस आपको देखना है बाकी कुछ नहीं फोर्टी सिक्स पे देख लेना क्या देखोगे टेक्स इनवाइस का फॉर्मेट और फोर्टी सेवन पे आप लोग देखिएगा रिसिप्ट का, का फॉर्मेट ठीक है क्लियर है आपको तो यहाँ पे हमने चार डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लिया है पूरा अच्छे से अभी हमारा पांचवा डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों तो पांचवा है चेक ठीक है तो चेक के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे पहले आप एक काम करो इतना मतलब लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वैसे लिखोगे तो अच्छी ही बात है ठीक है आप ना अकाउंट्स की प्रॉपरली नोटबुक बना लीजिए और जो भी मैं आपको लिखा करके देते जाऊँगी उन्हें आप लोग लिखते जाइएगा और एग्जाम के टाइम पे पढ़ करके जाइएगा ठीक है तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा इसीलिए पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद ये जो पांचवा डॉक्यूमेंट है ना चेक इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ ठीक है तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है उसके बारे में समझते हैं तो अगला डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों चेक ठीक है अब ये चेक क्या होता है तो देखिए जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो चेक के द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर अगर उन्हें पेमेंट लेना है तो वो भी वो चेक के द्वारा ले सकते हैं ठीक है थीके? तो चेक का फॉर्मेट कैसा होता है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना बच्चों ये इस तरीके से आपका चेक होता है ठीक है और अगर आप लोग रियल में चेक देखना चाहते हैं तो आपके घर पे किसी ना किसी का अकाउंट तो होगा ही ठीक है और अगर उनका अकाउंट है तो उनके पास चेक बुक भी होगा ठीक है तो आप अपने पापा का या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं उनका मांग करके देखिएगा आपको समझ में आएगा कि चेक बुक कैसा

और ये जो पे लिखा है ना इसमें हम क्या करते हैं जिस भी पर्सन को मुझे पेमेंट करना है उसका यहां पर मैं नाम लिख दूंगी कौन है मिस्टर ए तो यहां पर हमने लिख दिया मिस्टर ए ठीक है और जितना भी अमाउंट देना है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है जैसे सपोज करो कि मुझे ना आ, कितना रुपया देना है आ, पचास हजार रुपये देने हैं ठीक है ठीके? तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर ना हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं देखो ऐसे फिफ्टी ओनली ओके फिफ्टी ओनली इस तरीके से अच्छा यहाँ पे क्या लिखा जाता है तो यहां पे हम लोग ना देखो यहां पे हमने क्या किया वर्ड्स में अमाउंट लिखा अभी हमें ये नंबर में लिखना होगा यानी कि पचास हजार इस तरीके से समझे और ऐसे करके एक लाइन भी हम लोग खींच देते हैं अच्छा ये लाइन खींचने से होता क्या है जैसे अगर मैंने लाइन नहीं खींचा बस मैंने ऐसे ही पचास हज़ार लिख करके छोड़ दिया ठीक है तो कोई अपना मतलब अपने हाथ से इधर जीरो भी तो बढ़ा सकता है ना इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक लाइन ऐसे करके खींच देते हैं ताकि इसके आगे कोई भी जीरो ना बढ़ा पाए अगर एक जीरो बढ़ा दिया तो सोचो कितना हो जाएगा पचास हज़ार की जगह पाँच लाख आपके अकाउंट में से चला जाएगा ठीक है इसीलिए हम लोग इस तरीके से लाइन खींच देते हैं है ना और यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है और क्या होता है और यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है जो भी अकाउंट होल्डर होता है मतलब जिसके भी नाम का अकाउंट होता है वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं सिग्नेचर करते हैं ठीक है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना जीरो जीरो ये क्या होता है तो ये चेक का नंबर होता है ठीक है मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं होता आ, क्या रहता है वहां पर नंबर लिखा रहता है ठीक है आप देखिएगा रियल का चेक लेकर के आपको समझ में आ जाएगा ओके तो चेक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों पेमेंट कर सकते हैं ठीक है तो सिंपल सा मतलब आपको समझ में आए ना अब चलिए समझते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में चेक का डेफिनेशन क्या दिया है ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि चेक इज अ रिटेन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर टू पे ऑन डिमांड सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू अ पर्सन नेम देर इन और टू दर अभी इसका मतलब क्या हुआ इसे आप लोग समझिएगा चेक क्या होता है तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ठीक है ये क्या होता है रिटर्न ऑर्डर है मतलब रिटर्न ऑर्डर होता है लिखा हुआ एक ऑर्डर होता है ठीक है? और जिसको साइन कौन करता है तो जो अकाउंट होल्डर है ना वो यहाँ पे साइन कर देता है ठीक है अच्छा ऐसा करने से होता क्या है तो देखो वो ना एक तरीके से क्या कर रहा है जो बैंक है मतलब जैसे सपोज करो कोई एक बैंक ले लेते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये ये जो चेक है ये किसका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और मेरे नाम से है ठीक है मतलब अकाउंट किसका है मेरा है मैंने क्या किया ये पूरा भर दिया और यहाँ पे मैंने साइन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बैंक को ऑर्डर दे रही हूँ कि आपको क्या करना है आपको फिफ्टी थाउजेंड मिस्टर ए को पे करना है ठीक है तो यही चेक का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि ये क्या होता है साइन बाय द अकाउंट होल्डर मतलब अकाउंट होल्डर साइन उस पर कर देता है डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर यानी वो जो बैंकर है उसका मतलब जो उसका बैंक है वो उसको डायरेक्ट कर रहा है यानी कि ऑर्डर दे रहा है क्या ऑर्डर दे रहा है कि आपको क्या करना है सर्टन सम ऑफ मनी यानी जो भी मनी उसके ऊपर लिखा हुआ है वो आपको पेमेंट करना है किसको पेमेंट करना है तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ओनली टू अ पर्सन नेम यानी जिसका जिस भी पर्सन का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उसे आपको पेमेंट करना है या फिर आपको किसे पेमेंट करना है बेरर को पेमेंट करना है अब आप सोचेंगे बेरर कौन है तो देखो यहाँ पे लिखा है ना देखो यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखा है और क्या लिखा है और बेयर यानी या तो उस पर्सन को आप दे दीजिए पैसा या फिर जो बेरर है मतलब जिसके हाथ में वो चेक है ठीक है उसे आप पैसा दे दीजिए तो ये होता है बच्चों चेक का सिंपल सा मीनिंग आई होप आप लोगों को समझ में आया ही होगा है ना मैंने आपको डेफिनेशन से भी बता दिया इसके अलावा सिंपल वर्ड्स में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही ठीक है अभी चलिए हम लोग यहाँ पे और बातें समझ लेते हैं तो जो चेक होता है ना बच्चों इसमें कितनी पार्टीज होती हैं तो तीन पार्टीज होती हैं ठीक है थीके? कौन कौन सी बहुत सिंपल है ध्यान से देखो पहला तो ड्रॉवर दूसरा कौन ड्रॉवी तीसरा कौन पे ठीक है तो ड्रॉवर कौन होता है देखो यहाँ पे क्या लिखा है द पर्सन हु ड्रॉज अ चेक मतलब जो चेक को ड्रॉ करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ड्रॉवर कहते हैं जैसे कि ये जो चेक है ना वो किसने ड्रॉ किया मैंने ड्रॉ किया ना मैंने यहाँ पे सब कुछ नाम लिखा ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या हो जाऊंगी ड्रॉवर यानी अगर देखा जाए तो जनरली जो अकाउंट होल्डर होते हैं ना स्टूडेंट्स कौन अकाउंट होल्डर मतलब जिनके नाम पे अकाउंट होता है वही क्या होते हैं वही होते हैं ड्रॉवर क्योंकि जो चेक है उसको कौन ड्रॉ करेगा वही ड्रॉ करेगा जिसके नाम से अकाउंट होगा यानी कि अकाउंट होल्डर ठीक है क्लियर है आपको ये समझ में आ गया अच्छा ये ड्रॉवी कौन होता है तो देखो जो बैंक है ना बैंक ठीक है ये कौन होता है ड्रॉवी होता है देखो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि द बैंक ऑन होम द चेक इज ड्रॉन उसी को हम लोग क्या कहते हैं ड्रॉवी कहते हैं ठीक है यानी सिंपल सा मतलब ड्रॉवर कौन होता है अकाउंट होल्डर और ड्रॉविंग कौन होता है जो बैंक रहता है वो होता है ड्रॉविंग ठीक है इसके अलावा ये लास्ट में देखो क्या है पेई अब ये पेई कौन होता है तो जिसको पैसा मिलेगा ना जैसे यहाँ पर ये मैंने मिस्टर ए लिखा है ठीक है तो मिस्टर ए हमारे लिए क्या हो जाएंगे पेई हो जाएंगे यानी जिस भी पर्सन को पैसा मिलेगा वो होगा पेई बाकी ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आई गई है ना द पर्सन द पर्सन इन हूज फेवर अ चेक इज

क्रॉस चेक में भी दो क्लासिफिकेशन है एक तो नॉर्मल वाला क्रॉस चेक होता है और दूसरा क्या होता है अकाउंट पे वाला क्रॉस चेक ठीक है तो सबका मीनिंग आपको बताऊंगी बस आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा आपको कुछ भी याद नहीं करना बस आप सुन लो बस आपका काम खत्म ठीक है बस आपको समझना है ओके तो देखो बेरर चेक क्या होता है तो यहाँ पर ये जो मैंने चेक बनाया हुआ है ना देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया सिंपल सा इधर नाम लिखा है इधर अमाउंट लिखा है ठीक है और इधर हमने अपना सिग्नेचर कर दिया है बस तो इस टाइप के चेक को हम लोग क्या कहते हैं बेरअ चेक कहते हैं ठीक है अच्छा इसमें होता क्या है जैसे कि मैंने क्या किया आ, मैंने ना ये जो चेक है वो मिस्टर ए के नाम से बना दिया ठीक है अब सपोज करो मतलब मिस्टर ए को मैंने दे भी दिया ओके तो सपोज करो ये जो चेक है ना वो मिस्टर ए के हाथ में से गुम गया जैसे चेक कभी लेके जा रहे थे तो कहीं रस्ते पे गिर गया होगा या फिर किसी न किसी तरीके से गुम गया ठीक है तो ये जो चेक है ना ये जिसके भी हाथ में जाएगा वही इस चेक का मालिक हो जाएगा मतलब देखो ये मिस्टर ए ने क्या किया बिल को घुमा दिया ठीक है और ये जो बिल है ना वो सपोज करो किसको मिल गया मिस्टर सी को मिल गया ठीक है अभी वो जो मिस्टर सी है ना वो इस बिल के बिल नहीं वो इस चेक के मालिक बन चुके हैं अगर वो चाहे तो बैंक में जब वो जाएंगे ना तो बैंक उनको ये पचास हजार रुपए दे देगी बिना कुछ सवाल पूछे जो ऐसा देखो यहां है? है का मतलब आप समझ रहे हो जिसके भी हाथ में वो चेक है ठीक है उसे आपको पेमेंट कर देना है तो अगर आप लेकर के गए मतलब जो मिस्टर सी हैं जिनको ये चेक ऐसे ही मिल गया है ठीक है वो बैंक में जाएंगे कौन से बैंक में जाएंगे तो जो बैंक का वो चेक है उसी बैंक में जाना है ठीक है वहां पे जाएंगे और उनको बैंक बिना कुछ सवाल पूछे उनको सीधे सीधे ये पचास हजार रुपए दे देगी ठीक है तो सोचो बेरर चेक में कितना नुकसान है तो जब भी आप लोग कभी भी फ्यूचर में चेक बनाइएगा तो बेरर चेक कभी मत बनाइएगा क्योंकि वो अगर गुम गया तो जिसको मिलना है वो उसको ना मिल करके वो किसी को भी मिल जाएगा ठीक है तो बेहर चेक का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया ना आसान था चलो अभी हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे ऑर्डर चेक की बात करेंगे ठीक है देखो इसमें रिस्क था कि अगर गुम गया तो कोई भी पैसा निकाल सकता है ठीक है तो अभी ये लोग मतलब जो चेक बनाने वाले हैं वो होशियार हो गए उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या सोचा कि नहीं नहीं हम लोग बेहर चेक नहीं बनाएंगे तो फिर ऑर्डर चेक बनाएंगे अच्छा ऑर्डर चेक में क्या होता है तो ऑर्डर चेक में ज्यादा कुछ भी नहीं करने का पता है ये जो बेरर है ना इसको सिंपल से ऐसा काट देने का क्या करने का काट देने का और इधर लिखना होता है ऑर्डर समझे ऑर्डर ठीक अच्छा ऐसा करने से क्या होता है सुनिए अभी यहां पर मैंने मिस्टर ए का नाम लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है ऑर्डर ठीक है तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो चेक है ना मतलब ये जो चेक का पेमेंट है वो किसको मिलेगा वो मिस्टर ए को ही मिलेगा ठीक है समझ पा रहे हो कि नहीं ये किसको दिया जाएगा मिस्टर ए को ही पैसा दिया जाएगा इस केस में क्या हो रहा था जिसके भी हाथ में गया वही इसका मालिक उसको पैसा मिल जाएगा लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा मैंने अभी बेरर को काट दिया है ठीक है मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति इस बिल इस चेक का पैसा नहीं ले सकता ठीक है तो यहाँ पे ऑर्डर लिखने से ये चेक कैसा बन जाता है ऑर्डर चेक बन जाता है ठीक है तो ये मिस्टर ए लेकर के जाएंगे मतलब बैंक में और वहां से जा के वो क्या कर सकते हैं पैसा ले सकते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं आप चाहो तो कैश में भी पैसा ले सकते हो या फिर बैंक में भी ले सकते हो यानी अगर मिस्टर ये चाहते हैं कि मुझे कैश में पैसा चाहिए तो बैंक उनको कैश में पैसा दे देगी अगर ये चाहते हैं कि नहीं नहीं आप मेरे बैंक में मतलब आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो तो बैंक अकाउंट में भी इनके पैसा ट्रांसफर कर सकती है ठीक है तो ये होता है ऑर्डर चेक का सिंपल सा मतलब अब किसकी हम बात करेंगे क्रॉस चेक की बात करेंगे ठीक है अभी क्रॉस चेक में क्या होता है तो सुनो ध्यान से यहाँ पे मैं से लिख देती हूँ लेते हैं समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को देखो अगर समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए ठीक है चलिए तो क्रॉस चेक में हम लोग क्या करते हैं बच्चों इसका मतलब आप हम समझते हैं कि सिंपल क्रॉस चेक क्या होता है देखो हम लोग ना यहाँ पर ये ऊपर जो है ना इस तरीके से दो लाइन खींच देते दो पैरल लाइन ठीक है और इसी चेक का नाम हो जाता है क्रॉस चेक ठीक है अच्छा ऐसा करने से होता क्या है इसका मतलब तो बताओ तो देखो इसमें क्या होता है ना जैसे ये जो पैसा है वो तो मिस्टर ए को ही मिलेगा लेकिन उनके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा जैसे इसमें क्या था अगर आप चाहो तो कैश में भी आपको पैसा मिल सकता है बैंक में भी मिल सकता है लेकिन इस केस में क्या होगा अगर मैंने चेक को क्रॉस कर दिया मतलब जो पैसा है ना वो आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा मिस्टर ए को कैश नहीं मिल सकता तो फिर कैसे मिलेगा बैंक में ही उनको मतलब इनका जो भी अकाउंट रहेगा ठीक है उसमें ही वो ट्रांसफर किया जाएगा ठीक है तो ये क्रॉस का सिंपल सा मतलब ये होता है और नॉर्मली जो लोग भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो यही वाला चेक हमेशा मतलब इशू करते हैं हमेशा यही वाला चेक बनाते हैं वैसे मैं भी जब भी चेक भरती हूँ ना तो मेरे पापा का कभी पेमेंट करना रहता है ठीक है तो मैं भी ऐसा ही चेक बनाती हूं क्योंकि ये ज्यादा सेफ होता है ना अगर गुम भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं है ओके किसको मिलेगा मिस्टर ए को ही मिलेगा और उसके बैंक में ही मिलेगा सबसे बड़ी बात तो ये है ठीक है ऐसा नहीं इसमें क्या हो रहा था तुरंत के तुरंत पैसा मिल जाता था लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें अकाउंट में ही पैसा मिलता है ठीक है चलो अब यहाँ पे लास्ट वाला जो टाइप है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं ये क्या है बच्चों क्रॉस अकाउंट पे ही चेक अब इसमें क्या होता है तो सुनिए इसमें हम लोग को क्या करना होता है ना जैसे हमने ये जो दो पैनल लाइन खींची है ना इसके बीच में हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट पे ई रुको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ ऐसा लिखने से क्या होता है बताती हूँ चिंता मत करो सारी चीजें बताऊंगी बस आप सुनते रहिए देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसके अंदर अकाउंट पे ऐसा करने से क्या हुआ ये जो हमारा चेक है ना अभी ये टाइप का चेक बन चुका है ठीक है अच्छा इसमें फायदा क्या होता है और इसमें नुकसान क्या होता है तो सुनो आपको बताती हूँ ज्यादा कुछ नुकसान वगैरह होता नहीं है ये वाला जो चेक है ना ये इसी के जैसा होता है लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जैसे अगर आपके पास नॉर्मली क्रॉस चेक है ना तो उसे आप क्या कर सकते हैं किसी और को एंडोर्स कर सकते हैं मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे अगर आपको किसी और को पेमेंट करना है तो वो आप इस चेक के द्वारा कर सकते हैं बस चेक के पीछे लिख दीजिए

छोटा सा डिफरेंस होता है ये दोनों में है ना समझ में बात आई आपको समझ में आया कि नहीं ठीक है तो बस यहां पर हमने ये चेक के बारे में जान लिया अच्छे से टाइप्स ऑफ चेक और पार्टीज टू अ चेक ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोग प्रॉपरली अपनी नोटबुक में लिखिएगा है ना लिखने से क्या होता है आपको समझ में आता है ठीक है और जब भी एग्जाम का टाइम आता है ना तो आपको रिविजन करने में आसानी होती है इसीलिए आप लोग जरूर अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए ठीक है तो ये लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में जानेंगे तो जो जर्नल है ना बच्चों उसके बारे में जानेंगे उसका मीनिंग डेफिनेशन ठीक है और जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट uh, होता है वो कैसा होता है फिर एक और हमारा कंसेप्ट है जीएसटी ठीक है आप लोग उन्हें नाम भी सुना होगा मैंने बताया था ना uh, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मैं आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीएसटी के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही और एक और बात बता दूं अगर आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है चलो चलते हैं गुड बाय एवरीवन